तो यदि आप भी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मात्र 20,000 रुपए से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अपने एरिया में बिजनेस करके आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो में मैं बिजनेस की जानकारी के साथ साथ मशीन की जानकारी, रॉ मटेरियल, मशीन का प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और इस बिजनेस के लिए क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, इस बिजनेस में क्या रिस्क है या इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसमें कि आप मशीन को खरीद सके, रॉ मटेरियल को खरीद सके, अपने बिजनेस को सुचारू रूप से आप चला सके, अपने बिजनेस को अच्छा स्टैंड कर सके। मशीन के लिए दोस्तों तीन प्रकार की मुख्य रूप से मशीनें आती हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक, दूसरा फुल्ली ऑटोमेटिक और तीसरा जो है मैनुअल मशीन। मैनुअल मशीन की प्राइस की बात करें तो 6,500 रुपये से स्टार्टिंग है। आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करके आप मशीन खरीद सकते हैं जो कि अलग अलग कंपनी का, अलग अलग वैरायटी का और अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अवेलेबल होता है। दूसरा जो है दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है ये 40,000 रुपये के समथिंग स्टार्टिंग है। इसका भी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। यदि आपके पास बहुत अच्छा बजट है दोस्तों तो 80,000 से 1,00,000 रुपये के समथिंग आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये आप अपने बजट के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, रॉ मटेरियल की बात करें तो ये जो रॉ मटेरियल है नॉन प्रिंटेड और प्रिंटेड दोनों में अवेलेबल होता है, जिसका प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट है। 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 350, 400, 500 इस प्रकार से अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से रहता है। इसकी थिकनेस की बात करें तो 16 mm से 18 mm तक का होता है, जिसमें कि आप एक सीट में 15 पेयर्स पुरुष के और 22 पेयर स्त्री के और 25 से 28 पेयर जो है आप बच्चों के स्लीपर बना सकते। और डाई की अगर बात करें दोस्तों तो ये जो डाई है 3 नंबर से 10 नंबर तक के आते हैं, जिसमें से बच्चों के जो स्लीपर बनते हैं वो 3 नंबर से 6 नंबर के यूज होते हैं, बाकी जो बड़े हैं उनका जो है 6 नंबर से 10 नंबर तक के डाई यूज होते हैं। जब आप मशीन खरीदते हैं तो आपको कुछ जो मोस्ट यूजफुल डाई हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए ये आपको साथ में दिया जाता है। लेकिन आपको और भी जैसे आपको रिक्वायरमेंट है और भी आप विभिन्न साइज के आपको डाई की आवश्यकता है तो आप अलग से मशीन विक्रेता से आप परचेस कर सकते हैं। मशीन का प्रोसेस, आइए दोस्तों मशीन के प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये सोल कटिंग मशीन है, इसे मैनुअली जो है सोल कटिंग किया जाता है। आप जैसा मशीन खरीदेंगे उस हिसाब से, जैसे सेमी ऑटोमेटिक हो गया तो वो हाइड्रोलिक प्रेशर से या ऑटोमेटिक भी प्रेशर के द्वारा जो है कटिंग करता है, तो ये मैनुअल मशीन है दोस्तों। आप इसे हैंड प्रेस से कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों इसको ग्राइंडिंग करने की आवश्यकता होती है जिससे कि आपका जो स्लीपर कट हुआ है वो अच्छे से फिनिशिंग में आ सके। इसके बाद जो स्ट्रैप होता है दोस्तों उसको स्ट्रैप इंसर्टिंग मशीन के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद जैसे कि आपका रॉ मटेरियल नॉन प्रिंटेड है तो आप प्रिंटेड के लिए या अपना ब्रांड बनाने के लिए या फिर आप बॉक्स के ऊपर प्रिंटिंग के लिए आप प्रिंटर मशीन रख सकते हैं और उसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप रॉ मटेरियल प्रिंटेड खरीदे हैं तो इसकी आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ेगी, लेकिन बॉक्स में तो पड़ेगा अगर आप अपना खुद का ब्रांड के नाम से अगर आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दोस्तों, यदि इस बिजनेस में लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहले आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जिस लोकेशन में आप स्टार्ट कर रहे हैं उस लोकेशन का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो है दोस्तों आप अपने एरिया के म्युनिसिपल डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। उसके बाद MSME से आप अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराने की आपको आवश्यकता होगी। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस में लागत, दोस्तों यदि आप मैनुअल मशीन के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो मशीन की जो कीमत है 6,500 रुपये से स्टार्ट है। आप अपने बजट के हिसाब से इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद जो रॉ मटेरियल है ये जो है दोस्तों 100 रुपये से स्टार्ट है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो न्यूनतम रूप से इस बिजनेस को आप 20,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से आप जितना बड़े लेवल पर आप शुरू करना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यदि प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट
मशीन के प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग और वहाँ के जो मार्केट में जो डिमांड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो जो बच्चों के स्लीपर बनते हैं वो 15 से 20 रुपए में रेडी हो जाता है, और जो लेडीज या और जेंट्स है उसके जो स्लीपर है दोस्तों ये 25 से 35 रुपए के लगभग ये रेडी हो जाता है। बाकी आप अपने एरिया में किस प्राइस में वहाँ का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट निकाल करके आप सेल कर सकते हैं। अगर ओवरऑल कहा जाए तो आप मैनुअल मशीन से भी 20 से 25 हज़ार रुपया मंथली आसानी से इनकम ले सकते हैं। प्रोडक्ट की सेलिंग कहाँ करें दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बिजनेस है ज़्यादातर होलसेल और रिटेल में किया जा रहा है। यदि आप मैनुफैक्चर हैं तो आप होलसेलर को और रिटेलर को आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वयं का शॉप लगा करके सेल कर सकते हैं, बाजार हाट वगैरह में आप सेलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप सेलिंग कर सकते हैं। इस बिजनेस में रिस्क आपका जो बिजनेस है दोस्तों, इसकी जो सफलता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप सस्ता में रॉ मटेरियल 100 रुपये प्रति पीस से खरीद लिए और उससे जो चप्पल तैयार हो रहा है उसको आप हाई रेट में सेल कर दिए, इससे आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होगा, आप लॉस में चले जाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं उसे बहुत सोच समझ करके डिसाइड कीजिए, उसमें क्या लागत खर्च आ रहा है और उस लोकेशन में क्या प्राइस में वो सेलिंग हो सकता है। अपने कॉम्पिटिटर को भी देखिए कि वो किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, वहाँ की लोकेलिटी को भी देखिए कि वो किस प्राइस में खरीद सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, ये सारी बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में आपको जो विस्तार से जानकारी दिया गया है ये आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही मैं इसी प्रकार का बिजनेस आइडिया लेकर के आते रहता हूँ और पूरी जानकारी मैं देता हूँ। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।